गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ट्रेड टॉक पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमें मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू क्रिएट सम लॉन्ग पोजीशंस। और इसका रीज़न यही है कि कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट अच्छी नोट पे क्लोज हुआ है। मार्केट लगभग 200-250 पॉइंट नीचे खुला था, लेकिन उसके बाद 16,800 ने मार्केट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ऑफर किया और उसके बाद हमने मार्केट में अच्छी रिकवरी देखी। तो अगर मार्केट अगर आज नीचे खुलता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो एक लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 17,000 का है, लेकिन अगर एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए अगर कोई पोजिशन बनानी है तो हमें लगता है कि 16,800 का स्टॉप पकड़ के हम बजट तक एक पोजीशन लॉन्ग की बना सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो 17,250, 17,400 यानी 17,250, 17,400 यहाँ पे हमें लगता है कि दो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और मार्केट जो है वो एक पुलबैक मूव का इशारा कर रही है। ये दिखा रही है कि मार्केट एक पुलबैक मोड में जा सकता है और 17,600 तक भी ये जो रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है। और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर मार्केट अगर कोई भी करेक्शन अगर आज दिखाता है तो 17,000 या 16,800 जैसे अपना रिस्क अपेटाइट है उसके बेसिस पे आप आपके लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी 37,500, 37,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जैसे वर्क कर रहे हैं। और ऊपर में यानी कि अगर मार्केट अगर इस पुलबैक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है जहाँ पे बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस बना है तो हमें लगता है कि 38,500 से लेकर 38,750 के लेवल्स बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। और इसी वजह से कोई भी करेक्शन में हमें आज के दिन के लिए एक स्ट्रैटेजी जो रखनी है वो बाय ऑन डिप्स की रखनी है। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर वर्ल्ड मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे जो मूड है वो मिक्स बना हुआ है। हांगकांग डाउन है, निकेई ऊपर है और सिंगापुर निफ्टी जो है वो 40 से 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वहाँ पे 1.81 के करीब वो आ चुका है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे हमने काफ़ी बड़ी एक बढ़त देखी है, एक अच्छा बाउंस बैक देखा है। 97.25 यानी कि पिछले 6 से 8 महीने के हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और उसका रीज़न यही है कि यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाइक का जो साइकिल है उसके ऊपर काफ़ी सारा स्पेकुलेशन चल रहा है, काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और कोई 4 हाइक की बात कर रहा है, कोई 5 हाइक की बात कर रहा है और इसी वजह से डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ बना हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि शायद मार्च में इंस्टेड ऑफ 50 बेसिस का भी हाइक आ सकता है और कोई 30 बेसिस हाइक का भी स्पेकुलेशन कर रहा है। और इसी वजह से ओवरऑल जो हाइकिंग साइकिल जो है वहाँ पे हमें लगता है कि जो एक वहाँ पे जो एक व्यू बना है, कॉमन व्यू बना है वो है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में एग्रेसिवली बढ़ सकते हैं और इसी वजह से डॉलर इंडेक्स और भी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। ये हमारे लिए या इमर्जिंग मार्केट्स के लिए सर्टनली निगेटिव है और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट एक पुलबैक दिखा सकता है, लेकिन मार्केट को रैली में कन्वर्ट होने के लिए बजट में क्या आउटकम आता है वो इम्पॉर्टेंट है। जब तक कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट आता नहीं है, कोई अच्छा पॉजिटिव अनाउंसमेंट नहीं आता है, तब तक हमें नहीं लगता कि मार्केट जल्दी से 18,300 के लेवल्स को क्रॉस करे। और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में एक पुलबैक आया है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स उसमें लॉन्ग पोजिशंस बनाए, लॉन्ग के ट्रेडर्स बनाए और जो अटके हुए ट्रेडर्स हैं जिनकी पोजीशंस अटकी हुई हैं उन्हें हमारा ये एडवाइस है कि वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब अपनी पोजीशंस को थोड़ा और कम कर ले। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट यहाँ यही ख़त्म करता हूँ और आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच हमें वक्त देने के लिए और साथ ही साथ आपका दिन मंगलमय हो।